नमस्कार, डिडोन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। अब हम आपके लिए प्रियंका सौरभ जी के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमालय देव भूमि को सुरक्षित रखना समय की जरूरत है। उत्तराखंड हिमालय देव भूमि के रूप में उभरा है और ये हिंदू तीर्थ यात्रा के केंद्र विकसित हुआ है, मगर प्राकृतिक आपदाएं इसको विनाशक बना रही हैं। पिछले एक दशक में हाल की परिस्थितिक नाजुकताओं को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के साथ साथ धरोहर स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालीन संकट प्रतिक्रिया तंत्र और समाधान करना समय की जरूरत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ग्लेशियर के फटने के बाद आई बाढ़ की वजह से वैज्ञानिक समुदाय अब भी ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि ये आपदा किस वजह से हुई। इसका उत्तर इतिहास के साथ साथ वर्तमान विकास संबंधी मुद्दों पर भी है। हम इस बात को मना नहीं कर सकते। पुरातात्विक रिकॉर्ड और अभिलेखीय साक्ष्यों के एक अध्ययन से पता चलता है कि विभिन्न एजेंडों और प्रतिक्रियाओं ने धीरे धीरे देव भूमि को एक पवित्र परिदृश्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय की तलहटी में पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स को 300 ईसा पूर्व और 600 सीई तक फैली अवधि के हैं। वो गंगा के मैदानों और तलहटी में रहने वाले समुदायों के बीच गहरे संपर्क का संकेत देते हैं। समय के साथ हुए विकास में हरिद्वार और कालसी को महानगरीय शहरों के रूप में और हिमालय में प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया। आखिरकार सातवीं शताब्दी में उत्तराखंड हिमालय में पत्थर मंदिर वास्तुकला की एक क्षेत्रीय परंपरा बन शुरू हुई। इस परंपरा के शुरुआती तीर्थ स्थल हरिद्वार और कालसी के ऊपर की ओर पाटली और लखा मंडल में बने थे। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही आदि शंकराचार्य से जुड़े हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि वे 8वीं शताब्दी में उनसे मिलने आए थे। संभवतः उनके अनुयायियों ने पंडुकेश्वर में मंदिरों के निर्माण में भूमिका निभाई, जहां द्रविड़ और नगर मोड़ में निर्मित मध्ययुगीन संपादन अलग थलग खड़े थे। उत्तराखंड युवा और अस्थिर पहाड़ों के बीच में स्थित है और तीव्र वर्षा के अधीन है। 2013 केदारनाथ में बाढ़ और फ्लैश फ्लड जो इस हफ्ते की शुरुआत में अलकनंदा घाटी में बह गए थे, ये बताते हैं कि भगवान के नाम पर हैंडेड विकास एक भयानक दृश्य ला सकता है। वर्षों से भूवैज्ञानिकों, ग्लेशियोलॉजिस्ट और जलवायु विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन, तीव्र और अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों और क्षेत्र में बाद के परिस्थितिक विनाश के कारण आपदा के बारे में अपने डर को आवाज दी है। विशेषज्ञों ने संभावित ट्रिगर के रूप में बड़े पैमाने पर मानव बस्तियों और कृषि गतिविधियों के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के लिए पहचाना। हिंदू कुश हिमालय मूल्यांकन रिपोर्ट 2019 ने बताया था कि हिंदू कुश हिमालय के ग्लेशियर का एक तिहाई हिस्सा पेरिस समझौते के तहत सभी प्रतिबंधिताओं से पूरा होने पर भी 2100 तक पिघल जाएगा। ये भी चेतावनी दी थी कि किसी भी परिस्थितिक विनाशकारी गतिविधियों से भूसंकलन जैसी अधिक तीव्रता वाली आपदाएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने लगातार उत्तराखंड में पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में छानबीन के लिए कहा है। डॉक्टर रवि चोपड़ा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समिति ने बाढ़ से होने वाली बाढ़ में बांधों की भूमिका का आकलन करने के लिए स्थापित किया। इस बात पर कड़े प्रमाण दिए कि बांधों के भारी निर्माण से इस क्षेत्र को कितना नुकसान हो रहा है। अब समय की जरूरत है दीर्घकालीन संकट प्रतिक्रिया तंत्र और लचीलापन संसाधनों के से निवेश करना ही होगा। कुछ तत्कालीन लचीलापन योजना में विशेष रूप से बाढ़ की रोकथाम और सड़क स्थिरता तकनीकों को लागू करने और पुलों, पुलियों और सुरंगों जैसी मौजूदा संरचनाओं को मजबूत करने, पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारियों के साथ तटबंधों को मजबूत करना, जल विद्युत और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना का पुनः विकास करना, एक मजबूत निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश करना,
जिम्मेदार पर्यावरणीय और धार्मिक पर्यटन नीतियों सहित हानिकारक मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लागू करने योग्य नीतियों और विनियामक दिशा निर्देशों की स्थापना, प्रभावी ढंग से जोखिमों को रोकने और प्रबंधित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना अत्यंत जरूरी है। वैकअप कॉल का समय हमसे बहुत पीछे है। भारत को उत्तराखंड के लिए एक लचीले भविष्य को बहाल करने और पुनर्निर्माण करने के लिए सख्त जरूरत है। उत्तराखंड हिमालय देवभूमि के रूप में उभरा है और ये हिंदू तीर्थ यात्रा के केंद्र विकसित हुआ है, मगर प्राकृतिक आपदाएं इसका विनाशक बना रही है। पिछले एक दशक में हाल की परिस्थितिक नाजुकता को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के साथ साथ धरोहर स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालीन संकट प्रतिक्रिया तंत्र और समाधान करना समय की जरूरत है। अब हम आपके लिए डॉक्टर नीलम महेंद्र जी के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश का किसान जो इस देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचता है, वो देश के उस जवान पर कभी प्रहार नहीं कर सकता। आज किसान आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। आज सोशल मीडिया हर आमो खास के लिए केवल अपनी बात मजबूती के साथ रखने का एक शक्तिशाली माध्यम मात्र नहीं रह गया है, बल्कि ये एक शक्तिशाली हथियार का रूप भी ले चुका है। देश में चलने वाला किसान आंदोलन इस बात का सशक्त प्रमाण है। दरअसल सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 2 माह से भी अधिक समय से चल रहा किसान आंदोलन भले ही 26 जनवरी के बाद से दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पा रहा हो, लेकिन ट्विटर पर अपने प्रवेश के साथ ही उसने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि बीतते समय और इस आंदोलन को लगातार बढ़ते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों की उपलब्धता के साथ आंदोलनकर्ता किसानों के प्रति देश भर में सहानुभूति की लहर उठती और देश का आम जन सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि इसी साल की जनवरी में एक अमेरिकी डाटा फर्म की सर्वे रिपोर्ट सामने आई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भारत ही नहीं विश्व का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार्य राजनेता माना गया। इस सर्वे में अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 75% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लेकिन यहाँ प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का नहीं है, बल्कि किसान आंदोलन की विश्वसनीयता और देश के आम जनमानस के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति का है। क्योंकि देखा जाए तो 26 जनवरी की हिंसा के बाद से किसान आंदोलन ने अपनी प्रासंगिकता ही खो दी थी और किसान नेताओं समेत इस पूरे आंदोलन पर ही प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए थे। क्योंकि जब 26 जनवरी को देश ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर आंदोलनकारियों का हिंसक आक्रामक देखा, तो ये आंदोलन के देश की सहानुभूति भी खो दी। दरअसल देश इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि देश का किसान जो इस देश को मिट्टी को अपने पसीने से सींचता है, वो देश के उस जवान पर कभी प्रहार नहीं कर सकता जो इस देश की आन को अपने खून से सींचता है। शायद यही कारण है कि जो सहानुभूति इस आंदोलन के लिए आंदोलन जीवी इस देश में नहीं खोज पाए, उस सहानुभूति को उनके द्वारा अब विदेश से प्रायोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ट्विटर जैसी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट और अन्य विदेशी मंचों का सहारा लिया जाता है। आइए कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। कुछ तथाकथित अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में उनके द्वारा किए गए ट्वीट के बदले में उन्हें $2.5 मिलियन दिए जाने की खबरें सामने आई हैं। इन तथाकथित सेलिब्रिटियों में एक 18 साल की लड़की है और 2 ऐसी महिलाएं हैं जो स्वयं अपने बारे में भी एक महिला की भौतिक देह से ऊपर उठ नहीं सोच पाती। जब ऐसी महिलाएं किसान आंदोलन पर ट्वीट करके चिंता व्यक्त करती हैं, तो कहने को कम और समझने के लिए ज्यादा हो जाता है। इतना ही नहीं, कथित पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग द्वारा पहले किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट को शेयर किया जाता है और फिर हटा लिया जाता है, जो अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा कर देता है। किसान आंदोलन में ट्विटर के इस प्रकार भ्रामक एवं लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सरकार के कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना। अब भारत सरकार ने ट्विटर पर
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दरअसल सरकार ने ट्विटर को 1178 ट्विटर अकाउंट को ये कहते हुए बंद करने और उनके ट्वीट हटाने का निर्देश दिया था कि ये अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के हैं, जिनका इस्तेमाल भड़काऊ और विवादित खबरें फैलाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ट्विटर द्वारा उनके नियम कायदों का हवाला देते हुए सरकार के निर्देशों की अनदेखी करना अब इसके लिए भारत में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इससे पहले भी सरकार ट्विटर से 257 अकाउंट बंद करने के लिए कहती है, जिन्हें ट्विटर ने पहले ब्लॉक कर देता है लेकिन बाद में अनब्लॉक भी कर देता है। हाल ही में अमेरिका की लोकप्रिय सुपर बाउल लीग के दौरान भी किसान आंदोलन से जुड़ा विज्ञापन चलाया जाता है, जिसमें इसे इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जाता है। इस बीच लेबर पार्टी के सांसद तनमजीत सिंह देसी के नेतृत्व में 40 ब्रिटिश सांसदों द्वारा ब्रिटेन की सरकार पर भारत में चल रहे किसान आंदोलन को ब्रिटेन की सरकार में उठाकर भारत का दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन की सरकार इसे भारत का अंदरूनी मामला बताकर खारिज कर देती है। किसान आंदोलन को लेकर कनाडा सरकार का रुख जग जाहिर है। इस तथ्यों से देश में फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का प्रवेश तथा आंदोलन जीवियों के हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान आंदोलन के पीछे चल रही इस राजनीति के बीच जब देश के कृषि मंत्री देश की संसद में ये खुलासा करते हैं कि पंजाब में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना है उसमें करार तोड़ने पर किसान पर न्यूनतम 5,000 रुपये जुर्माना, जिसे 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रावधान है, जबकि केंद्र द्वारा लागू कृषि कानूनों के किसान को सजा का प्रावधान नहीं है, तो किसानों तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश के सामने रखते हैं, क्योंकि पंजाब में फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट का ये कानून 2013 में बादल सरकार ने पारित किया था। हैरत की बात यह है कि पंजाब की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में तो प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन पहले ये जो फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट कानून पंजाब में लागू था उसमें किसानों के लिए भी सजा का प्रावधान था, उसे रद्द करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस प्रकार मूलभूत तथ्यों को दरकिनार करते हुए जब किसानों के हितों के नाम विपक्ष द्वारा की जाने वाली राजनीति देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती है तो तत्कालीन लाभ तो दूर की बात है। इस प्रकार के कदम ये बताते हैं कि विपक्ष में दूरदर्शी सोच का भी अभाव है। काश कि वो ये समझ पाते कि इस प्रकार के आचरण से कहीं उनकी भावी स्वीकार्यता भी समाप्त हो जाए। आभार प्रियंका सौरभ, डॉक्टर नीलम महेंद्र, धन्यवाद दी डॉन एक्सप्रेस।